भारत के हर कोने के बच्चे को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल मिगी क्लासेस पे। बच्चों, ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वन डायमेंशनल मोशन, मोशन ना स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है, न्यूमेरिकल वन डाल के। तो बच्चों, क्वेश्चन ये रहा है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये प्रोसेस बताई थी कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितना भी टफ हो या कितना भी इजी हो, सबसे पहले क्वेश्चन को पेशेंस के साथ रीड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड में एक पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस है 1 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बेटा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रफली डायग्राम बना लेंगे। बेटा, सेमी सर्कल ऐसा ही तो होगा, ठीक। ये पॉइंट ए मान लो, ये वाला पॉइंट बी मान लो, इसमें रेडियस दे रखी है तो इस बीच वाले सेंटर को ओ मान लो। ओ से लेके ए तक की दूरी को हम आर बोलेंगे और आर बच्चों है कितना, 1 मीटर। इतनी तो बात समझ में आ रही। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, आपको पता है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात यहां की जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। बेटा ये क्या हो गई, इसकी पाथ लेंथ हो गई। बच्चों डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो ये तो हो गई पाथ लेंथ। बेटा रेडियस कितनी दे रखी है, 1 मीटर, ये हो गई ओ से लेके ए तक की दूरी। तो ओ से लेके बी तक की भी दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। कितनी होगी, 1 मीटर है, क्योंकि ये भी रेडियस होगी, ठीक है। ओ भी तो बच्चों ओ भी तो रेडियस होगी, समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए बी, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो आपको पता है टेकन, या डायरेक्टली लिख दो बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एवरेज बराबर मैग्नीट्यूड का साइन लगा के, ठीक, क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt लिख दे, ds अपॉन dt। या टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ab अपॉन टाइम कितना है t, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा। बेटा ab कितना है, देखो ab किसके बराबर है, ob प्लस oa के अपॉन टाइम t, सही है या नहीं है। तो वी ए बी लिख दिया हमने। अब बेटा ob कितना है, 1 मीटर, ओ ए कितना है, 1 मीटर, रेडियस है और टाइम भी कितना है, 1। तो बेटा क्या आ गया, वी एवरेज कितना निकल के आ गया, 2/1। तो कितना आ गया, वी एवरेज निकल के आ गया बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ गई, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे, नीचे नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख दे रहे। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड के। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी था इसमें, कुछ नहीं दे रखा था, सेमी सर्किल था। तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, ओ ए 1 मीटर है, तो ओ बी भी तो रेडियस है सेमी सर्किल की, तो वो भी कितनी होगी, 1 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से लेके ए और फिर ओ से लेके वी तक की दूरी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कहां से, ए से लेके वी तक में, ठीक है। तो बीच का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, जो टाइम दे रखा था उससे डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बाकी क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया बच्चों, रब कर दिया जाए, गर्मी बहुत है बच्चों, ठीक। बड़ा ही आसान सा तरीका है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इससे पहले का आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और 6 देख सकते हो, या डायरेक्ट डाल देना काइनेमेटिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बाय मिगी क्लासेस, ठीक है, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ लिखने की कोशिश करो। If a particle travels the first half distance
विथ स्पीड वी वन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस बी टू फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। बच्चों फैन ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर बाद में आपको सुनाई नहीं देगा सही से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। डायग्राम को बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा बच्चों ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, ठीक। जो पिछली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पे। ऑब्जेक्ट कैसा है? वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ओ मान लो, ये वाला पॉइंट बी मान लो, ठीक है। तो बेटा जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से लेके ओ से लेके ए, वो कितना कर रहा है? वी वन। ओ से लेके बी सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी? वी टू। समझ में आ रहा है? यही तो कर रहा है। इसकी एवरेज स्पीड चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी। बेटा अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड। मैंने आपको बताया था क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड बताता है या नहीं बताता है? और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी, ठीक है, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, एवरेज स्पीड चाहिए। तो बच्चों एवरेज स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। तो वी एवरेज हो जाएगा क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही तो होगा बच्चों, कोई भी तकलीफ? तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है? यहां तक देखो। अब बेटा टाइम तो दे नहीं रखा है। टाइम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो टाइम, अच्छा v बराबर क्या होता है? मैंने यहां पे बताया v बराबर क्या होगा? s अपॉन t, क्योंकि डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा s अपॉन v। होगा या नहीं होगा? तो ये t1 हो जाएगा। जब a से लेके b, जब ऑब्जेक्ट a से लेके o तक जा रहा है तो यहां पे टाइम हो जाएगा t इक्वल टू s अपॉन v। t1 बराबर क्या हो जाएगा? s अपॉन v, ठीक, या s अपॉन b1 लिख लो। समझ में आ गया? s अपॉन b1 हो जाएगा। t2 के लिए बेटा कितना हो जाएगा? सेम, T2 के लिए हो जाएगा बच्चों S अपॉन V2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ से टाइम निकाल लो। आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? एस प्लस एस, सही है, क्योंकि यहाँ तक जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? एस। यहाँ तक जाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है? एस। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया बेटा? टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी वन प्लस टी टू। बेटा 2s बराबर टी वन की वैल्यू कितनी है बेटा? पुट कर दो यहां पे s अपॉन वी वन। टी टू की वैल्यू कितना है? s अपॉन वी टू, ठीक। यहां पे हो जाएगा वी एवरेज, वी एवरेज, एवरेज स्पीड निकालना है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, वी एवरेज कितना आ जाएगा? अगर इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2s अपॉन s बाहर आ जाएगा और b1 वन प्लस बी टू वन अपॉन बी टू, बी वन अप इंटू बी टू, यही तो आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। अब b एवरेज किसके बराबर हो जाएगा बेटा? s से s कट गया तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 बी वन इंटू बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू। ये आपका फाइनल आंसर है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2017 का। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? कर पाओगे? नोट करो इसको। अच्छा जिसको आंसर ना दिख रहा हो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा बच्चों इसका b एवरेज बराबर 2b1 बी वन इंटू बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। नोट कर लो फटाक से।
गर्मी बहुत है बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी V1 and sorry for certain distance x and with constant velocity V2 for next equal distance। मेरे साथ बच्चों क्वेश्चन को नोट करते चलो अभी। The average velocity V is given by relation लगता पूरा बोर्ड क्वेश्चन से ही भर जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई पर्सन जो ट्रेवलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। कल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ढेर सारा, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और बहुत ही अच्छे से वन डायमेंशनल मोशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो मैंने ये कहा था कि बेटा ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बोला था पिछली वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आप ये देख रहे हो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपका टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो वो टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको वो वीडियो देखना अनिवार्य है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी। तो क्वेश्चन को समझते हैं, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ठीक। पर्सन की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना, v1 है, फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, ठीक। x डिस्टेंस के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी है v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल डिस्टेंस है तो बेटा ये भी x होगा। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन की नसबंदी करना है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा। s1 कितना डिस्टेंस है, x। S2 डिस्टेंस कितना है, x। तो कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आया। आप डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मान लो O पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, यहां तक की दूरी कितनी है, x। O से लेके B तक की दूरी कितनी है, x, ठीक। इतना डिस्टेंस, ये तो टोटल डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, जब तक कि ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक नहीं करेगा। कल कॉन्सेप्ट समझाया था। अब ए पॉइंट पे बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब बात किया जा रहा है एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, पता है ना आपको। अब सबसे बड़ी चीज है कि यहां तक की जो वेलोसिटी दे रखी है, एक्स डिस्टेंस की वेलोसिटी दे रखी है v1 और नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस की वेलोसिटी दे रखी है v2, ठीक। इतनी बात समझ भाई। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो अब अगर टाइम निकालें तो क्या हो जाएगा, s अपॉन v1। तो s है क्या बेटा हमारा यहां पे x, ठीक। तो इसके लिए टाइम t1 कितना निकल के आएगा बेटा, x अपॉन v1। t2 के लिए टाइम कितना निकल के आएगा, t2 के लिए क्या हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है x और वेलोसिटी कितना है v2। इतनी बात समझ भाई, ठीक। तो टाइम कितना है, t1 बेटा कितना हो जाएगा,
एक्स अपॉन बी वन और टी टू कितना हो जाएगा एक्स अपॉन बी टू। तो एज वी नो आपको तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना नहीं लिखना है, आपको बस क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप का आएगा तो आप डायरेक्ट निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, हम पूरा लिख रहे ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रहे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इतनी बात बच्चों समझ में आई? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना बच्चा, एक्स प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम कितना है टी वन प्लस टी टू। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा टू एक्स अपॉन टी वन टी टू की वैल्यू रखो, टी वन कितना है एक्स अपॉन वी वन, टी टू कितना है एक्स अपॉन बी टू। इतना सॉल्व करो बच्चों। अब बी एवरेज निकल के आएगा नेक्स्ट, देखो बेटा बी एवरेज निकल के आएगा पिछले जैसे टाइप का क्वेश्चन है, तो टू एक्स एक्स बार आ गया तो अंदर क्या रहेगा बी वन प्लस बी टू, नीचे क्या आ जाएगा बी वन इंटू बी टू। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर दो, एक्स से एक्स गया तो बी कितना आ गया यहाँ पे, वी बराबर आ जाएगा टू अपॉन इन टू इंटू बी वन, डायरेक्ट लिखो ऊपर टू इंटू बी वन इंटू बी टू अपॉन बी वन प्लस वी टू, बी एवरेज। सॉरी समझ में आ गया, बिल्कुल पिछले टाइप का क्वेश्चन था, सॉरी बच्चों पुअर क्वालिटी के लिए क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ देख नहीं पाया, ठीक है थोड़ा ब्लर हो गया, आप आसानी से समझ पा रहे हो ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको।